पूरे परिप्रेक्ष्य में संदर्भ में कह दी। महत्वपूर्ण यह है कि हम चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे, हम गृह मंत्री जी जो हर सवाल पे तत्पर रहते हैं, बाहर बयान देने को आतुर रहते हैं, जो उनका डोमेन नहीं है उस पे भी बोलते हैं। हमने कहा गृह मंत्री जी आके दोनों सदनों में, क्योंकि ये संसद की इमारत की चूक नहीं है सर। संसद है क्या? संसद 800 वैसे लोगों की जगह है जो पूरे देश का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो इसको राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मसला मानना चाहिए। हमें कोई ये ना समझाए कि लोकसभा स्पीकर पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी के इंचार्ज होते हैं, हकीकत हम सबको मालूम है। लेकिन हमने बस इतना मांगा और आपने इस स्केल पे जो सस्पेंशन किया, शशि थरूर जी ने बिल्कुल कहा, पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता। तो लोकतंत्र की माँ कहते हैं ना, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, आप तो माँ को बीमार कर दिया आपने। माँ बीमार चल रही है, इस बीमार माँ को तीमारदारी की जरूरत है। और हम जैसे सांसद जिनको आप सस्पेंड करते हैं, अगर प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स के तौर तरीके हमको सुनने के काबिल नहीं है, हमारे पास क्या विकल्प? क्या प्लेकार्ड पहली बार दिखाया गया इस देश में? सारी रूलिंग और ऑब्जर्वेशन देखिए आप, 52 से लेके अब तक क्या बना रहे हैं आप इसको? आपने मदर ऑफ डेमोक्रेसी को कत्ल करने का की सुपारी ले ली और वो आप कर रहे हैं। आपको प्रतिरोध मुक्त सड़क चाहिए और विपक्ष मुक्त संसद चाहिए। आपको मुबारक हो मोदी जी, आप इस देश को सिंगल पार्टी मेजोरिटेरियन रूल की तरफ ले जा रहे हैं। और आप सोचते हैं आप ताली बजवाते रहेंगे, तालियां कब गालियों में तब्दील हो जाए शायद उन्हें पता है।